बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लास 12 और 11 से करेंगे। हमारे पास सम है एक्स ई एक्स। अच्छा देखें, जब हमारे पास ये सम होता है एक्स ई एक्स इस तरह का, तो अब देखें हमने इसमें एक को यू बनाना होता है, एक को वी बनाना होता है। अच्छा अब देखें, अगर ई एक्स को हम यू बनाएंगे तो जो इसको डिफ्रेंशिएट करनी है इसको, तो डी यू, तो ये वापस ई एक्स ही आ जाएगा, तो हमारे मतलब सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम इसको यू बनाएंगे एक्स को, ताकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर वन आ जाएगा। अच्छा तो ई आ गया, ये तो हमारे पास यू आ गया। अब बाकी जो बचा ये हमारा डी वी है। डी वी क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ई एक्स और ये डी एक्स। अच्छा हमें चाहिए क्या, वी चाहिए, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर यहाँ वी बच गया, और ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ई एक्स आ गया, तो ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई। अच्छा अब हम अपने सम की तरफ चलते हैं। हमारा सम क्या है, एक्स ई एक्स और डी एक्स। अच्छा हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स सो एक्स ही था। अच्छा ई एक्स जो है हमारा, अच्छा ई एक्स, अच्छा अब यहाँ पर ये तो ये समझ लीजिए हमारे पास यू आ गया, और ये हमारे पास अब ये हमारा वी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यू वी, तो यू आ गया और ये वी आ गया हमारे पास ई एक्स, और फिर माइनस, और वी क्या है, वी हमारी ई एक्स है और डी यू। अच्छा डी यू चाहिए तो हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आ गया, वन इंटू डी एक्स, तो ये हमारे पास वन इंटू डी एक्स आ गया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया।